हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम ने किया है। पीएम मोदी ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। G7 समिट में हिस्सा लेने गए हुए थे और उसी दौरान ये तस्वीर जापान में पीएम मोदी ने किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। देखिए तस्वीरें जो है वो एक बार फिर से बताती हैं कि दुनिया में किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का मूल्य है और उनको लेकर के जो सम्मान है और इसी सम्मान के तहत जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और उस दौरान देखिए कैसे जो भारतीय थे वो बहुत ही उत्साहित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बातचीत भी की। एक और अहम खबर, हिरोशिमा में पीएम मोदी ने बयान भी दिया, बापू की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला। साथ ही हिरोशिमा का नाम सुनकर दुनिया कांप जाती है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। आतंकवाद क्लाइमेट में चेंज की लड़ाई लड़ रहा है पूरा विश्व। जापान के पीएम ने बोधि वृक्ष का पौधा हिरोशिमा में लगाया है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली, प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के थे पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बौद्धगया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा आते ही याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा के मेयर का, यहां की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहां पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।